हेलो। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। और मेरा मुंबई इंडिया से सभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वालों को सलाम। मेरा नाम राजकुमार सेठ, मैं मुंबई से हूं और आप सबका इस फेसबुक लाइव पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं थैंक करना चाहूंगा शिखा जी का धुन स्टूडियो की, जो जिन्होंने मुझे ये एक सुनहरा मौका दिया है फेसबुक लाइव करने का। और हम लोग करीब एक महीने से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में गाने वगैरह सेलेक्ट कर रहे हैं, बाकी अरेंजमेंट्स देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि दुबई से मेरा बहुत गहरा संबंध है। मैं 4-5 बार दुबई विजिट कर चुका हूं, ऑफिशियल काम से भी और पर्सनल भी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी भी वहां पे और दामाद वहां रहते हैं। और इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा स्वर साधना की नंदिनी जी और मुरली जी का, जिन्होंने मुझे अपने फेसबुक लाइव होने के बाद मेरे को इंट्रोड्यूस किया शिखा जी से, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के प्रोग्राम में मैं क्या कहूं आपको, ऐसा है कि ये एक, जैसा कि नाम रखा है हम लोगों ने मिलकर, नाम के ऊपर भी काफी डिबेट हुई, गुलदस्ता गजलों और गीतों का। वाह, क्या नाम है। वाकई में गुलदस्ता है, इसमें रंग बिरंगे तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के मोती भी हैं, तो आप समझ लीजिए कि एक तरह की माला भी है ये। आपने सुना होगा कि बहुत पहले जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मालूम होगा और यंग ने भी सुना होगा कि बिना का गीत माला आया करती थी हर हफ्ते, उसमें 16 गाने हुआ करते थे। हम यहाँ पर, मैं 15 गाने तो लेके आया ही हूं, बट आई एम गेटिंग टेम्पटेड टू इंट्रोड्यूस और टू इंक्लूड वन मोर सॉन्ग टू मेक इट टोटल 16। वो एक सरप्राइज है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा धीरे धीरे। अब ये रंग बिरंगे फूल कैसे हैं? एक तो वैरायटी के गाने हैं, कुछ एक दो शायद थोड़े से सैड आपको लगे, थोड़े से स्लो लगे, फिर आपको गजलें भी मिलेंगी और फिर उसको बाद में आपको कुछ गाने थोड़े लाइवली भी मिलेंगे। और सिंगर्स तो देखिए जरा, शुरुआत करेंगे हम मुकेश से और तलत से, या फिर हेमंत कुमार, और फिर मोहम्मद रफी तो होना लाजमी है, वो कोई प्रोग्राम में ना हो तो बहुत, ऐसा हो नहीं सकता। किशोर कुमार और शायद एक गजल जगजीत सिंह जी भी रखी गई है। तो ये गुलदस्ता लेकर हम आ रहे हैं। सबसे पहला जो गाना है वो है, एक बड़ा समुद्र में से मोती निकाला है मैंने, फिल्म का नाम है सारंगा, 1961 की फिल्म। ये गाना तो मतलब बचपन से मैं
गा रहा हूं मुझे इतना पसंद था, लेकिन कभी भी म्यूजिक के साथ नहीं गाया, क्योंकि उस समय इतना प्रचलन नहीं था, कराटे वगैरह अभी आया है, और कभी मैंने ऑर्केस्ट्रा के साथ ज्यादा गाया नहीं, इस तरह का गाना नहीं गाया। लेकिन ये गाना मेरे मित्रों को, मेरे साथियों को भी इतना पसंद था, कॉलेज में और जब मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ता था, वहां भी महफिल में, मीटिंग्स में जब भी होते थे तो ये गाना सारंगा तेरी याद में लोग जरूर फरमाइश करते थे। उसके साथ में एक और गाना हुआ करता था मुकेश की प्राइवेट गजल, जिएंगे मगर मुस्करा ना सकेंगे, बहुत ही प्यारे गाने थे, इसकी काफी डिमांड थी। तो अभी भी मेरे दो मित्र हैं बहुत संगीत प्रेमी, देवाशीष बासु कलकत्ता में रहते हैं, सुमन चित्रा बेंगलोर में रहते हैं, ये दोनों इस गाने को हमेशा मेरे को चार पांच लाइफ से बोल रहे हैं कि इसको जरूर इंक्लूड करो। मैंने उनको इंक्लूड किया, और ये क्यों ना करता, अरे ये मेरी पत्नी को भी बहुत पसंद है ये गाना, तो करना ही पड़ा। और ये मैं आपको बता दूं, मेरी पत्नी जो रेणु जी हैं वो भी कंपेयर कर चुकी हैं दो तीन प्रोग्राम, और जब वो नहीं करती हैं तो वो बैकग्राउंड से कंपेयर करती हैं, तो वो आज भी करेंगी, बीच बीच में शायद कुछ सजेशन देंगी कि ऐसा गाओ वैसा गाओ जो भी है। तो अगर आप सभी तैयार हैं तो आपका फिर से एक बार स्वागत के साथ मैं पहला गीत शुरू करता हूं, मुकेश का गाया हुआ, बहुत ही दर्द भरा लेकिन बहुत ही मेलोडियस है, सारंगा तेरी याद में, 1961 की फिल्म थी, सरदार मलिक जी का म्यूजिक था और इसको लिखा था भरत व्यास जी ने, बहुत अच्छे कवि रहे हैं। और ये इतना भी बता दूं, कोई कोई गाने राग पे बेस्ड हैं, अगर जितना मुझे मालूम है बताता चलूंगा, ये राग कल्याण पे बेस्ड है शायद। तो आइए सुनते हैं, और अगर आपको कुछ वीडियो में ऑडियो में या कुछ तकलीफ हो रही हो तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं तो कल में कमेंट नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मेरे घर में लोग कुछ देख के। हेलो 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 हेलो, वेलकम टू अकुसा, सॉरी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से पावर चली गई थी इसमें। तो पहला गाना शुरू करते हैं, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। वादा झूलना, ओ
तेरी पलकी धाम। ओ अंगवा का झूलना वो पीर पलकी धाम। घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गांव। ओ सारा तेरी याद में तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, जल भर के मेरे नैन में आज हुए ओ जल। सुख देख दुख दे गई तो अखियां चंचल। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए नैन। ओ मधुर तुम्हारे निगन बिना दिल कटते नहीं मैं। ओ सारंगा तेरी याद में। चलिए तो पहला गाना आपने सुना, उम्मीद है कि पसंद भी आया होगा। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारे प्रिय जो सबसे ओरिजिनल गजल गायक कहे जाते हैं तलत महमूद, उनका गाया हुआ है फिल्म जाल से, और भी पुरानी पिक्चर है 1952। एसडी बर्मन और साहिर जी का लिखा हुआ, देवानंद गीता वाली की आपको याद आएगी, और शायद राग काफी के ऊपर में ये इसको स्वरित किया गया है। ये रात ये चांदनी, तो आइए सुनते हैं, मुलाइजा फरमाइए। जो नए लोग ज्वाइन किए हैं उन सभी का स्वागत, उनको नमस्कार सलाम। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां। माफ करिएगा, ये हेमंत का गाया हुआ है, तलत जी का नहीं है। सोई सोई चांदनी पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में कोई कोई चांदनी और थोड़ी देर में
छत पे लौट आएगी साथ ये बाहर की फिर कभी ना आएगी। तो एक पल और है ये समां सुन जा दिल की दास्तां। होठों पे धीमा धीमा राग है लहरों के होठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की जुबान सुन जा दिल की दास्तां। जवानियां जाती बाहर हैं तारों की छाँव में कहने कहानियां। एक बार चल दिए कर तुझे पुकार के लौट कर न आएंगे काफिले बाहर के। एक बार चल दिए कल तुझे पुकार के लौट कर न आएंगे काफिले बाहर के। आ जा अभी जिंदगी है जवान सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहां सुन जा दिल की दास्तां। ओके, क्योंकि अगला गाना शायद तलब का है इसलिए मेरे को थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैं बता दूं, मेरा थोड़ा कल रात में तबीयत गड़बड़ हो गई थी लेकिन इंशाअल्लाह भगवान की दुआ से और आप सबों की ख्वाहिश से हम लोग मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो गया वरना हमको पोस्टपोन करना पड़ता शायद। चलिए अगला गाना सुनते हैं। ये है तलत जी का गाया हुआ, शंकर जयकिशन का म्यूजिक है, शैलेश के शब्द हैं, दिलीप कुमार निम्मी की आपको याद आएगी और शायद राग भैरवी पर है। फिल्म है दाग, फिर से 1952। तलत जी का गाया हुआ बहुत ही प्यारा गाना है, मेरे दिल कहीं और चल। गम की दुनिया से दिल भर गया ढूंढ ले कोई घर नया। मेरे दिल कहीं और चल गम की दुनिया से दिल भर गया ढूंढ ले कोई घर नया।
दिल कहीं और कर। चल जहां गम के मारे न हो, टूटी आशा के तारे न हो। चल जहां गम के मारे न हो, टूटी आशा के तारे न हो। टूटी आशा के तारे न हो, इन बहारों से क्या फायदा जिसमें दिल की कली जल गई, फिर से हरा हो गया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। चार आंसू कोई रो दिया, फिर के तू कोई चल दिया। चार आंसू कोई रो दिया, फिर के तू कोई चल दिया। फिर के तू कोई चल दिया, दिख रहा था किसी का जहां, देखती रह गई जमीन। दिख रहा तेरा ये आसमान, मेरे दिल और चल। गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। है मेरे ये दिल कहीं और चल। बड़ा ही प्यारा नगमा था ये, फास्ट भी था और दिल को कहीं और ले जाने वाला, गम से भर गया और कहीं और जाने की तमन्ना कर रहा है। चलिए अब कुछ कुछ मॉडर्न गानों की तरफ आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ 8-10 साल आगे बढ़ते हैं। मुकेश जी का गाया हुआ बहुत ही सुंदर गाना, बहुत ही फेमस, अमिताभ बच्चन राखी, राग पहाड़ी, और खय्याम जी का म्यूजिक पिक्चर आपको शायद याद आ गई होगी, साहिर जी के लिखे हुए बोल है। 1960 की फिल्म कभी कभी, तो मुकेश जी का टाइटल सॉन्ग जो पिक्चर में अमिताभ जी पर फिल्माया गया, आइए सुनते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी मेरे दिल में ख्याल आ
पलंग निगाहें मेरी अमानत है, के ये पलंग निगाहें मेरी अमानत है। ये केसों की घनी छांव है मेरी खातिर, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है सहनाइयां सिराहों में, कि जैसे बजती है सहनाइयां सिराहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो आप लोगों को उम्मीद है ये मुकेश का सुपरहिट गाना भी पसंद आया होगा। तो अभी लगता है बेगम साहब हमारी पत्नी जी कुछ कह रही हैं लगता है। हाँ, अब कह रही हैं कुछ गजलें हो जाएंगी। चलिए उनकी बात माननी पड़ेगी, वरना तो मेरी जितनी मिठाई विठाई है ना, जलेबी रसगुल्ले वगैरह, वो उनकी बात मानने के बाद ही मिलते हैं मेरे को। तो उनकी बात जरूर माननी पड़ेगी। अगर दो टिन शायद रखे हुए हैं रसगुल्लों के, और अगर मैं उनकी आज बात मान लूंगा तो कम से कम एक टिन तो आज रात में खुलने की उम्मीद है। तो चलिए सुनते हैं रफी जी। रफी जी की तो गजलें वाह वाह क्या कहना है। बहुत ही प्यारी 1968 की फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और मजरूख सुल्तानपुरी की जोड़ी, और उधर स्क्रीन पर धर्मेंद्र जी गा रहे हैं शर्मिला जी की याद में हुई शाम और उनका ख्याल आ गया। ये गीत एक ऐसा है बहुत ही टचिंग, और कभी भी शाम को किसी की याद में बहुत से लोग ये गुनगुना सकते हैं। तो आइए सुनते हैं। एक बार अपना सिस्टम वगैरह चेक कर लेता हूं, बीच में बंद हो जाता है।
हूँ का ख्याल आ गया, कोई जिंदगी का सवाल आ गया, कोई जिंदगी का सवाल आ गया, कोई साबुन का ख्याल आ गया, कोई साबुन का ख्याल आ गया। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत साथ माथे हम उनको भुला कर अचानक ये क्या हो गया, के चेहरे पे रंग मलाला गया, के चेहरे पे रंग मलाला गया, जो चल कर कयामत की चाल गया, जो चल कर कयामत की चाल गया, कोई साबुन का ख्याल आ गया, कोई जिंदगी का सवाल ख्याल आ गया, कोई साबुन का ख्याल आ गया। सो लगता है बहुत से लोगों को ख्याल आ गया होगा, ये शाम भी ऐसी चीज है, याद भी ऐसी चीज है, दोनों का बहुत बहुत गहरा संबंध है। अगली गजल, अभी गजलों का सिलसिला शुरू है, कुछ तीन चार गजलें होंगी बहुत अच्छी अच्छी, फिर से मोहम्मद रफी की। और ये गजल जो है, इस गजल ने मेरे को पिछले साल एक फाइनल में मैंने एक ग्रुप के म्यूजिक ग्रुप के गाया था और लकली वो पसंद की गई और मुझको अवार्ड भी मिला और हाईएस्ट व्यूज का भी अवार्ड मिला था उसमें। कुछ लोगों को, हमारे कुछ मित्रों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। ओपी नैयर के संगीत बद की हुई, अनजान की लिखी हुई,
धर्मेंद्र और तनुजा माला सिन्हा दो हीरोइनों के साथ में शायद वो गा रहे हैं। बहारें फिर भी आएंगी फिल्म 1968 और नाम है आपके हसीन रुख। ये मैं अपने सबसे पहले फेसबुक लाइव में भी गा चुका हूं। आइए पेश है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह कहा तो कुछ जरूर है, तेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जैसे ठन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर जरूर है। तेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बना की शोकिया, कभी कभी हसीन भी तड़प रही है बिजली। जवाब आपका जवाब आपका जवाब आपका नजर में खुद ही चूर चूर है। तेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह में कहा तो कुछ जरूर है, तेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई, जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। ये जैसे सर बसर बहार आप ही में डल गई, किसी में ये कशिश किसी में ये कशिश किसी में ये
कश कहाँ जो आप हुजूर हैं। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। गजल भी आपको पसंद आई होगी। ओपी नैयर जी ने बहुत ही जबरदस्त धुन बनाई थी, इसकी अपने अंदाज में वो धुनें बनाते थे बिल्कुल, और क्लासिकल टच भी रहता था और एक मॉडर्न टच भी रहता था और लेटेस्ट इक्विपमेंट भी वो यूज करते थे। चलिए अभी आप किशोर कुमार जी को लाते हैं। चलिए, ये एक 1975 की फिल्म है। मेरे ख्याल में जितने भी गाने हैं शायद मैंने सब 75 से पहले के रखे हैं। फिल्म थी अमानुष, किशोर कुमार, श्यामल मित्रा जो कि बंगाल के बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, दीवर का लिखा हुआ, उत्तम कुमार और शमिला टैगोर को फिल्माया गया ये गाना। दिल ऐसा किसी ने तोड़ा, अमानुष बनाकर छोड़ा, फिल्म है अमानुष। बहुत ही प्यारा गाया, ये भी पहली बार गाना। Yeah.
रतोड़ा बर्बादी की तरफ है समोड़ा। जी का उस जमाने में करीब 1975 मतलब 40-45 साल पुराना। चलिए अब तो बहुत ही सुपरहिट गाना आ रहा है, शम्मी कपूर सायरा बानू जंगली 1961, मेरी बहुत ही प्रिय गजल है। एहसान तेरा होगा मुझ पर रफी जी की गाई हुई। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे पता है कि ये काफी लोगों का डिनर टाइम है, आप खाना खाते जाइए और सुनते जाइए, आप नहीं देखेंगे भी तो भी चलेगा, सिर्फ ऑडियो सुनिए फिर भी चलेगा। चलिए सुनते हैं। मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छांव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छांव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर
को हंसना सिखाया, रोज कहोगे रोलेंगे अब, रोज कहोगे रोलेंगे। आंसू का हमारे गम करो, ये बहते हैं तो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छांव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम, ये दर्द मोहब्बत सहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छांव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छांव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। शुक्रिया। तो ये थी जंगली की बहुत ही फेमस जमाने की गजल, और अभी भी कितनी पॉपुलर है, इतना सुनने में मजा आता है, गाने में भी बहुत मजा आता है। चलिए अब जो गजल आ रही है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, रफी जी की, और मेरे हिसाब से ये रफी जी की वन ऑफ द बेस्ट गजल्स कही जा सकती है। कुछ लोग इसको नज़्म भी बोलते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है शायद, गजल में शायद शेर की दो लाइनें होती हैं, नज़्म में कभी कभी तीन लाइनें होती हैं। सुनते हैं, फिल्म का नाम है गजल, और गजल किंग आपको पता ही है कौन थे, मदन मोहन। कितनी प्यारी प्यारी उन्होंने गजलें मेल और फीमेल सिंगर्स और लता मंगेशकर और सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी धुन बनाई। साहिर जी ने लिखी है, 1964 की फिल्म है, और सुनील दत्त और मीना कुमारी के ऊपर शायद फिल्माया गया, और राग मेरे ख्याल में राग पूर्य धनश्री के ऊपर बेस्ड है। ये नजम ही बोल सकते हैं इसको, रंग और नूर की बारात इसे पेश करूं। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि इस गजल को आप जरूर सुनिए ध्यान से। बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की
हसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। जज्बात निभाए उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए उसूलों की जगह, अपने अरमान फिरो फूलों की जगह, तेरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मेरे आखिरी नजराने हैं, ये मेरे से मेरे आखिरी नजराने हैं, मैं उन सपनों में हूँ जो आज से बेगाने ताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। Hey, hey, hey.
पेश करूं। किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। शुक्रिया। ये बहुत ही टायरिंग गजल है, रफी साहब ने भी बहुत जोर लगा के गाया है, उनके स्केल पर मैं नहीं गा सकता। मैंने कोशिश करी, इसलिए मैंने एक या दो स्केल इसको डाउन किया है, तब मैं इसको गा पाया हूँ। और मेरे बहुत बहुत दिल के करीब है। अगर कोई मेरे से गुजारिश करे कि आप कोई गाना सुनाओ, तो शायद मैं सबसे पहले यही सुनाऊंगा। एक और रफी जी की गजल है, लेकिन मैंने नहीं रखी है, नज़म है वो, न किसी की आंख का नूर हो, थोड़ी स्लो टाइप की गजल है, लेकिन मुझे वो भी बहुत पसंद है। तो ये थोड़ा बहुत ही सीरियस और मैं बोलूंगा कि भारी भरकम गजलें थी। अभी एक हम जगजीत सिंह की गजल लेते हैं। मेरा मन था कि और दो तीन गजलें रखूं, लेकिन अभी पिछले प्रोग्रामों में काफी गजलें उनकी गाई हैं, इसलिए ज्यादा रिपीट करने का मन नहीं हुआ। तो एक नई गजल मैं पहली बार आपके सामने पेश कर रहा हूं, मतलब मेरे लिए गाने के लिए नई है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये है क्या बोलते हैं कि अर्थ फिल्म की 1982, जगजीत सिंह, म्यूजिक भी शायद उन्हीं का है, कैफी आजमी के बोल हैं, राज किरण और स्मिता पाटिल की कलाकार थे, और शायद राग हथौड़ा पे बेस्ड है। तो आइए सुनते हैं, बहुत ही प्यारी गजल है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आँखों में नमी हसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जाएंगे शहर पीते
पीते ये अश्क जो पीते जा रहे हो। भर चला है इन जख्मों को भर चला है तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। क्या गम छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर रेखाओं से मात खा रहे हो। रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। थैंक यू। तो ये थी जगदीश सिंह की ओनली गजल इस प्रोग्राम की। तो मेरे ख्याल में गजलों का सिलसिला यहाँ खत्म करें कि नहीं, देखिए उधर से फिर इंस्ट्रक्शन आ रहा है कुछ कि भाई बहुत गजलें हो गई, बहुत भारी हो गया सुन के, कुछ और किया जाए, कुछ लाइवली गाने हो जाएं। चलिए तो अब हम कुछ लाइवली गाने सुनते हैं। हेमंत कुमार के दो सुनेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मेरा सिग्नेचर सॉन्ग मुन्ना डे का वक्त की कवाली है मेरी सोरज भी, और फिर रफी जी के दो गाने होंगे। और जो मैंने आपको बाद में बताने की बात कही थी कि मैं एक 16वां गाना ऐड करने जा रहा हूं, चलिए उसके बारे में बताऊंगा। अभी एक कंपटीशन हुआ, उसमें किशोर के या के गाने गाने थे और जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके, मैंने कभी वो बचपन में बहुत गाता था, कभी म्यूजिक के साथ नहीं गाया, जल्दी से रिकॉर्ड करके भेज दिया। लकली बहुत पसंद आया लोगों को, उसमें 2100 के ऊपर में यूट्यूब लाइक्स मिले जो कि मेल सिंगर्स में हाईएस्ट थे, और उनकी थर्ड सेकंड फर्स्ट की कैटेगरी थी प्राइजेस की, थर्ड सेकंड फर्स्ट, फिर फर्स्ट में ए प्लस और फर्स्ट में ए प्लस प्लस, तो सिंगिंग में भी फर्स्ट ए प्लस में मुझे मिला, मतलब टॉप के 20-25 गानों में शायद मेरा नाम आया, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स जो थे सिंगर्स करीब 500 के करीब थे, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारे दुबई और यूएई के लोगों ने शायद वो नहीं सुना होगा, इसलिए मैंने जानबूझ कर वो इंक्लूड किया है, यहाँ के लोगों ने काफी सुना है, पसंद भी किया गया। तो वो सबसे लास्ट मेरा पहली पायदान कहो या आखिरी पायदान कहो, बिना का गीत माला वो लास्ट होगा। तो आइए सुनते हैं हेमंत कुमार का बहुत अच्छा गाना, 16वां साल 1958, माय गॉड, एस डी बर्मन, और इसमें माउथ ऑर्गन जो है इस गाने में
उनके बेटे आरडी बर्मन जी ने बजाया था, देवानंद वहीदा रहमान। वाह वाह, ये गाना तो आप सुनेंगे तो आपके सामने उनकी इमेज आ जाएगी, है अपना दिल तो आवारा हेमंत कुमार। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। बुलाया गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा, हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा, बहुत भोला है बेचारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना नजर न ठिकाना, जमी से बेगाना पलक से जुदा, अजब है दीवाना नजर न ठिकाना, जमी से बेगाना पलक से जुदा, ये एक टूटा हुआ तारा न जाने किस पे आएगा, ये अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। जमाना देखा तारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ न किसी का, जमाना देखा तारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ न किसी का, सफर में है ये बंजारा न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वही से हारा, हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वही से हारा, जमाने पर कनाकारा न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। Thank you.
भरा गाना हुआ। और देवानंद जी के तो देवानंद जी हो, शम्मी कपूर हो, इन सबके गाने सिर्फ सुनने ही नहीं देखने में भी बहुत मजा आता है। चलिए एक और हेमंत कुमार का बहुत ही फेमस 20 साल बाद 1962 की फिल्म, म्यूजिक भी हेमंत कुमार जी का, शकील बदायूनी के गीत, विश्वजीत और वहीदा रहमान पे फिल्म आया गया, बेकरार करके हमें, बहुत ही प्यारा गीत है, इतनी प्यारी धुन बनाई है उन्होंने, आइए सुनते हैं। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए वो काली काली पत्नियां, जुल्फ की घटा दुरान दे कहीं, चोरी चोरी आपके शोक बिजलियां, पाप की अदा दुरान दे कहीं, यू कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम, देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम, कोई कोई भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना ले सनम, बैगी बैगी नजरों से खुदको बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जिंदगी के रास्ते अजीब है, इस तरह चला न कीजिए, खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए, सुन के दिल की बात यूं ना मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। तो ये किसी को मनाने के लिए बहुत ही अच्छा गाना था। आप वो सीन याद कर सकते हैं पिक्चर में, जब विश्वजीत जी ये गाना गा रहे हैं कितनी मस्ती में। अब सुनते हैं मेरा, लोग बोलते हैं मेरा सिग्नेचर सॉन्ग है, मैंने बहुत बार गाया है, बहुत फरमाइशें हुई हैं उसकी। मेरे ख्याल में मेरे ये मेरा छठा एफबी लाइव है और छठे एफबी लाइव में शायद ये तीसरी बार हो रहा है, तो सोच लीजिए कि आप 50% ऑफ द टाइम ये गाना रखा है। ये मैंने खास करके यूएई वालों के लिए रखा है, ये मेरी जोर जमीन वक्त की कवाली, और बहुत ही बढ़िया इस पे
एक्टिंग करी थी बलराज सानी जी ने, अचला सर सरदेव जी को, सचदेव जी को देखते हुए। रवि का संगीत बद्ध किया हुआ है। और एक बात आपको बता दूं, शायद नहीं मालूम होगी, ये कोई अफगानी सिंगर हैं, अब्दुल गफूर जी, ओरिजिनल गाना पता नहीं ट्यून वही है कि, लेकिन उनका ओरिजिनल बनाया हुआ है और राग पीलू के ऊपर आधारित है। वक्त फिल्म से 1965। और मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट, मुझे तो याद नहीं, मैं 50-60-70 बार भी गा चुका हूं मैं इस गाने को, तो सुनते हैं, एंजॉय करिए इसको, बहुत मस्ती भरा। सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि ये प्रिय गाना है मेरा।
अब क्या सुनना चाहेंगे आप? एक बहुत ही अच्छा गीत फिर से। देवानंद कितने प्रिय हैं सभी को, देवानंद वहीदा की जोड़ी। एसडी बर्मन जी का एकदम अलग निराला सा संगीत, शैलेंद्र के बोल, 1960 की फिल्म काला बाजार, और मोहम्मद रफी, वाह खोया खोया चांद। चलिए पेश है खोया खोया चांद। खोया खोया चांद खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद खुला आसमां, आंखों में सारी रात तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मस्ती गली में है खलबली, ये उनको तो बुलाओ। ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, सत्संग मेरे वो तारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाए, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, ओ ओ ओ ऐसी जिरा की जिरा, रात की रात हाथों में हाथ होते बसा, कहते थे उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, हम मिट चले हैं दिल के लिए, चले जिनके लिए फिर कुछ कहे वो चुप चुप रहे, कोई जरा ये मुझसे कहे ऐसे आजमाओ। ओ हो
खोया चाँद खुला आत्मा आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चाँद 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 भाई वाह रे वाह देवानंद साहब कराए के ट्रैक में भी उनकी शक्ल दिख रही है मुझे क्या मस्ती में वो एक्टिंग करते थे लहरा के चलते थे और जो उनका ये सिग्नेचर स्टाइल है गर्दन हिलाने का जो आपने उसका तो ये था मेरा 14वां गाना और गीतमाला का 15वां ये भी काफी फास्ट सॉन्ग है फिर वही दिल लाया हूँ मोहम्मद रफी 1963 और वापस ओपी नैयर का है तो कितना मस्ती भरा गाना होगा मजरूह जी के लिखे हुए शब्द हैं जॉय मुखर्जी और आशा पारिक को आप विजुअलाइज कर सकते हैं लाखों हैं निकाह लखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान होठों में गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ हो लखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान होठों में गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ लट है किसी की जादू का जाल रंग डाले दिल पे किसी का जमाल लट है किसी की जादू का जाल रंग डाले दिल पे किसी का जमाल सबाए निगाहें के रोकती है राहें सबाए निगाहें के रोकती है राहें देखो दिल के तीर कमाए लखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान होठों में गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कौन है ख्यालों की मनीषा जानू ना दीवाना मैं दिल का कौन है ख्यालों की मनीषा भीगी भीगी रुत की छाँव तले मान लो कहीं वो आन मिले भीगी भीगी रुत की छाँव तले मान लो कहीं वो आन मिले कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं किसे ढूंढे मेरे अरमान हो लखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान होठों में गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ कभी कभी वो एक बाह जबी
डोलती है दिल के पास कहीं कभी कभी रोई सुबह जली डोलती है दिल के पास कहीं है जो यही बातें जो होगी मुलाकातें है जो यही बातें जो होगी मुलाकातें कभी यहाँ नहीं तो वहाँ है तो है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान होठों में गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ लेकिन वो बात कहाँ लेकिन वो बात कहाँ लेकिन वो बात कहाँ। तो जनाब इतने लोग लाखों थे निगाह में लेकिन वो बात नहीं थी जो उनमें थी। तो ये ऑफिशियली आखिरी गाना था। अब एक गाना मेरी पसंद से मैंने इंक्लूड किया है, चलिए वो सुन लेते हैं। फिल्म क्या है किशोर? फिल्म थी सफर 1970 की, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, इंदिवर के गीत, राजेश खन्ना को कोई भूल नहीं सकता। सरला टैगोर को देखकर उन्होंने ये गाना गाया। राजेश खन्ना को कैंसर है और शर्मला जी की प्रेजेंस जो है उनको एक जीवन की राह दिखा रही है और इतना प्यारी धुन है ये। बहुत मैंने भूरे किशोर के गाने अपने दोस्तों को पूछा, कई लोगों ने बहुत किशोर के इतने फेमस गाने, लेकिन ये गाना मैं बचपन में कभी गाता था, कभी म्यूजिक के साथ नहीं गाया, ऐसे ही कभी बैठ के इधर उधर गुनगुनाता था, सुना बहुत अच्छा बहुत लगा, सडनली ये याद आया और जल्दी से मैंने इसको रिकॉर्ड करके भेज दिया। और वाकई में जैसा कि जो ऑर्गेनाइजर थे इमरान भाई, उन्होंने अनाउंस किया जब प्राइजेस, तो उन्होंने बताया कि YouTube में इस गाने ने हंगामा कर दिया, 2100 के ऊपर इसमें व्यूज मिले और करीब 450 के ऊपर इसमें लाइक्स मिले और फर्स्ट प्राइज भी मिला। तो सुनते हैं आइए मेरी पसंद का ये गीत। जान है तू जीने के लिए,
जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में बाहों में कमल की कोमलता। किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों की है तुझ में चंचलता, चंचलता। आंचल का तेरे एहसास बहुत, कोई जागर सीने के लिए, सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए सागर की तरस से बहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। शुक्रिया। आप लोगों ने इतना अपना बहुमूल्य टाइम दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है ये टाइम ऐसा है, और यूएई में आज वर्किंग डे भी था, इसलिए कुछ लोग लेट आए होंगे। और आपने ध्यान से एंजॉय किया होगा, उसका बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। और मैं फिर से एक बार शुक्रिया करना चाहता हूँ शिखा जी का, स्टूडियो वालों का, उनके मैनेजमेंट का, उनकी कमिटी का, और स्वर साधना की नंदनी जी और मुरली जी का भी। और फिर हम कभी मिलेंगे, अब एक बार आपसे जुड़ गए हैं तो और भी प्रोग्राम होंगे। और जब कभी भी मेरे को दुबई आने का मौका मिलेगा तो हम, हो सकता है कुछ जब हालात सुधर जाए तो उम्मीद है कुछ लाइव प्रोग्राम भी कर सकें हम लोग। तो इन शब्दों के साथ आपका फिर से धन्यवाद देते हुए, शुक्रिया करते हुए आपसे अलविदा लेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार, थैंक यू।